आप बता दीजिए ना सड़क तो हम तो आपको बता रहे हैं ना, आपको गाइडलाइन मिला होगा ना। सार्वजनिक जगह जो गवर्नमेंट के अंडर में है, पुल पुलिया पेड़ पौधा मंदिर मस्जिद, इस जगह नहीं लगाना है। आपका पुल पुलिया पर बैनर पोस्टर दिख रहा है, लड़का लोग इसी जगह है, लोग बोल रहे हैं जो हमको मिला है आदेश लगाने का, जहाँ पर 10 आदमी बैठेंगे वहाँ पर लगाना है। पोस्टर चिपका रहे हैं। किसका पोस्टर है? विधायक का। विधायक का, विधायक उम्मीदवार हैं। क्या नाम है इनका? डॉक्टर मसरूर अहमद खान। डॉक्टर मसरूर अहमद खान, मकसूद अहमद खान। मसरूर अहमद खान कहाँ के हैं प्रत्याशी? सकरकोनी के हैं। कहाँ, कौन विधानसभा का? 77 विश्रामपुर। वो क्या बोले हैं जो चिपकाना है पोस्टर? हाँ बोले, कहाँ चिपकाना है वो नहीं बताए हैं? बताए हैं। आइए जी, इधर आइए आप। वो है मैन। हाँ उन्हीं से बात कर लीजिए। हैं उन्हीं से बुलाइए, उनको बुलाइए। क्या चिपका रहे हैं आप? पोस्टर। हैं किनका पोस्टर है? डॉक्टर मसरूर अहमद खान। आइए इधर आइए आप। ये क्या चिपकवा रहे हैं आप? कहाँ चिपकवाना है? आपको गाइडलाइन है मिला है कि नहीं मिला है? अंधेरी कहीं आप चिपका दीजिएगा, गाइडलाइन मिला है कि नहीं? कहाँ कहाँ चिपकाना है, कहाँ नहीं चिपकाना है? कहाँ आप चिपकवा रहे हैं बताइए, आप चिपकाए कहाँ? ये क्या है? पुल है। पुल है। हाँ। सार्वजनिक है या प्राइवेट है किसी का? तो नाम को नहीं पता है हमको, बस चिपकाने के लिए। आप फोन लगाइए उनको, आचार संहिता को उल्लंघन का केस होना चाहिए इनके ऊपर। आप लगाइए फोन नंबर। आप, हम क्यों लगाएंगे? प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करे। सार्वजनिक जगह पर जो है प्रत्याशी लोगों का बैनर पोस्टर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये सार्वजनिक जगह है, इस पर लोग बैठेंगे। सार्वजनिक जगह है तो आप देखिए, जो लगाने के लिए बोला गया हम वहाँ पे लगा रहे हैं। सुनिए पहले बात, सुनिए, जहाँ को जहाँ बोला गया हम लगा रहे हैं। क्या क्या, क्या बोला गया है? जो पुल पुलिया पर नंबर दे रहे हैं, पेड़ पौधे पर लगाना है बोला गया है? हमको बोला गया है जहाँ जहाँ लोग देखेंगे पढ़ेंगे वहाँ पे लगा दो जाके। हमको यहाँ लग रहा है कि यहाँ लोग देखेंगे पढ़ेंगे, हम लगा दिए। तो सबसे ज्यादा तो मंदिर और मस्जिद में होता है भीड़, आप जाके वहाँ लगा दीजिए। स्कूल पे नहीं लगा, कहाँ नहीं लगा सकते हैं? सबसे ज्यादा तो वहीं भीड़ होता है, स्कूल में सबसे ज्यादा भीड़ होता है, आप वहाँ लगा। धर्म वाले स्थल पे क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्यों लगाएंगे? अभी आप क्या बोले, जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होता है वहाँ लगाना है, यहाँ भीड़ होता है आप इसलिए लगा दिए? चुनाव से कोई सार्वजनिक जगह पर नहीं लगाना है। गाइडलाइन मिला कि नहीं मिला आपको? बताया गया कि नहीं? क्या नाम हुआ आपका? करना है, क्या नाम हुआ आपका? डायरेक्ट जाकर उनसे आपका क्या नाम हुआ? दे रहे हैं, नाम नहीं बताएंगे। हाँ नहीं बताएंगे, क्या है नाम बताइएगा मुझे, कहिए क्या नाम है जिनका, क्या नाम है आप लोग का? बाबू हम लोग को मालूम, नाम नहीं है। नाम नहीं मालूम है आपको? बात करना है सीधा, हम क्यों बात करेंगे? तो पर कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए तो आप ना बात कीजिए। आपको कौन भेजा है? कौन भेजा है ये बताइए। बोल तो रहे हैं कि विधायक जी भेजे हैं। विधायक जी भेजे हैं? फोन लगाइए विधायक जी, विधायक जी से आप बात कीजिए। हम नंबर दे रहे हैं, बात आप लगाइए, हम दीजिए लगाएंगे। हाँ नंबर लीजिए, बात कीजिए। सार्वजनिक जगह पर आप लोग लगा रहे हैं, गाइडलाइन के सरासर उल्लंघन है। ऐसे प्रत्याशी को पर आचार संहिता का केस होना चाहिए, इनका नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए। इनको गाइडलाइन नहीं पता है जहाँ में प्रचार कहाँ करना है, कहाँ कहाँ पोस्टर लगाना है, और जहाँ तहाँ लगा के सार्वजनिक जगह पर लगा कर ये कचरा कर देते हैं। लगाइए, लिखिए नंबर, लिखिए बताइए। 9797 7142। रुके अभी, आप कौन सा न्यूज़ है आप लोग? न्यूज़ का नाम क्या? ये देखिए, हाँ एक क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ का छाप है, क्या छाप है? फ्रॉक छाप है। कहाँ उम्मीदवार का नाम? डॉक्टर, हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज नहीं जा रही है? हम मुश्ताक बोल रहे थे, ग्रीन लाइन न्यूज का पत्रकार मझियाव से। ग्रीन लाइन वाले हैं? आपके कुछ लड़के लोग यहाँ पर हैं, सार्वजनिक जगह पर बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं, क्या बोलिएगा? ये लोग बोल रहे हैं जो विधायक जी भेजे हैं पोस्टर बैनर लगाने के लिए, ये सरासर आचार संहिता उल्लंघन है, क्या बोलिएगा बताइए? एक मिनट, मंदिर मस्जिद पर जाए हैं किसी धार्मिक स्थल पर? किसी धार्मिक स्थल पर नहीं, सार्वजनिक जगह पर है, जो सरकारी चीज है, जो सरकार का चीज है। पुल पुलिया, पुल पुलिया पर नहीं लगाना है। तो सरकारी जगह पर नहीं लगाना है तो खाली अपने घर में लगाना है? हाँ प्राइवेट जगह पर लगाना है, सरकारी चीज पर नहीं, पुल पुलिया पर नहीं लगाना है। कहाँ प्राइवेट लगाना है? आप अपना हिसाब से देख लीजिए प्राइवेट कहाँ है, आप बता दीजिए ना सड़क। तो हम तो आपको बता रहे हैं ना, आपको गाइडलाइन मिला होगा ना। सार्वजनिक जगह जो गवर्नमेंट के अंडर में है, पुल पुलिया पेड़ पौधा मंदिर मस्जिद, इस जगह नहीं लगाना है।
आपका पुल पुलिया पर बैनर पोस्टर दिख रहा है, लड़का लोग इसी जगह है, ये लोग बोल रहे हैं जो हमको मिला है आदेश लगाने का, जहाँ पर 10 आदमी बैठेंगे वहाँ पर लगाना है। सुनिए, मंदिर और मस्जिद हाँ विद्यालय के भवन छोड़ के सब जगह लगाना है। चलिए चलिए ठीक, चलिए अच्छी बात है, आपके द्वारा बताया गया अच्छी बात है, मैंने मंदिर मस्जिद ये दो और स्कूल छोड़ के हर जगह लगाना है ना, मंदिर मस्जिद और विद्यालय। चलिए सड़क पर नहीं लगेगा तो क्या अपने घर में लगाएगा आदमी? चलिए ठीक है, तीन जगह छोड़ के आप हर जगह लगा सकते हैं ना, आप यहाँ पे हाँ बोल दीजिए, मंदिर मस्जिद और विद्यालय को छोड़कर आप हर जगह बैनर पोस्टर लगा सकते हैं ना, जो सरकार के गाइडलाइन के खिलाफ है जी। और जगह जहाँ जहाँ लगाए हैं वो आपको नहीं दिख रहा है? हमको जहाँ दिख रहा है वहीं से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अभी लगभग सैकड़ों के ग्रामीण लोग, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लोग हैं। क्या है बता दीजिए ना, हमको तो गाइडलाइन यही पता है, जो सार्वजनिक चीज है जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है उस पर बैनर पोस्टर नहीं चिपकाना है। अगर आपको ये गाइडलाइन मिला होगा, ये सिर्फ मंदिर मस्जिद और ये स्कूल छोड़ के हर जगह लगाना है तो अच्छी बात है, इसके ऊपर जांच टीम बैठाएंगे बैठेगी, इसका जांच होगा, ये सार्वजनिक जगह पर लगा सकते हैं क्या, जहां पर सरकार के अंडर में जो वर्क आता हो? हाँ, आप उसे परमिशन लेके लगा सकते हैं, किसी के घर पर अगर आपको लगाना है तो उसे परमिशन लीजिए, आप उसको घर पर लगा सकते हैं जी। चलिए धन्यवाद बात करने के लिए। ये देखिए, चुनाव आयोग का साफ तौर पर गाइडलाइन ये है, आप सार्वजनिक जगह पर लगाइए लेकिन वो प्राइवेट होना चाहिए। अगर इनके घर पर लगाना है तो इनसे आपको इजाज़त लेना है, इनके खिलाफ भी नहीं लगाना है, जिनके घर पर आप बैनर पोस्टर आपके चिपका के चले जाते हैं, ये सार्वजनिक जगह पर, यहाँ सारे लोग आते हैं, ये सरकार के अंडर में आता है, और ऐसे जगह पर जो है आप नहीं लगा सकते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन है, इस पर चुनाव आयोग जाँच कर ऐसे प्रत्याशी लोगों का जो है ज़रूर जाँच होनी चाहिए, ताकि ऐसे जगह पर कोई अन्य प्रत्याशी चिपकाए नहीं। इनके द्वारा, इनके जो लड़के लोग जो चिपका रहे थे उनसे बात करने के बाद बताया गया जी प्रत्याशी द्वारा निर्देश दिया गया है जो आप लगा सकते हैं, चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है आप जो है पेड़ पौधे पर भी नहीं लगा सकते हैं, जो खंभा होता है, जो बिजली का खंभा होता है उस पर भी बैनर पोस्टर आप चिपका नहीं सकते हैं, पेड़ पौधे पर नहीं चिपका सकते हैं, ऐसे ऐसे पुल पुलिया पर भी आप नहीं चिपका सकते हैं, ये सार्वजनिक चीज़ है, यहाँ पर जो है आपके चाहने वाले भी आ सकते हैं, आपको जो नहीं चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, तो ये जो है गाइडलाइन के खिलाफ है, चुनाव आयोग साफ तौर पर आपको बोला गया है आप ऐसे जगह पर लगाइए जिसको जो है दिल में किसी चीज़ का कोई कमजोरी नहीं होगा, मतलब आपके बैनर पोस्टर से उसको आहत नहीं होगा, किसी प्राइवेट घर में अगर आप लगाते हैं तो कम से कम उसकी इजाज़त लेना है, आप इजाज़त नहीं लेते हैं फिर भी आप आचार संहिता का उल्लंघन में करते हैं। यहाँ पर जो भी ग्रामीण है इनके घर में अगर आप एक बैनर चिपका देते हैं, एक झंडा भी अगर चिपका देते हैं, लटका देते हैं, फिर भी जो है आचार संहिता का उल्लंघन होता है, आपको इन लोगों से परमिशन लेना होगा, इसके बाद ही आप बैनर पोस्टर या झंडा इनके घरों में चिपका सकते हैं। तो ऐसे प्रत्याशी के ऊपर जांच होनी चाहिए और चुनाव आयोग जो है कड़ी एक्शन ले, कम से कम इन लोगों का अधिकार जो है कहां तक है, कहां अपना बैनर पोस्टर लगा सकते हैं ये जानकारी नहीं है, तो ये विधानसभा जीतकर आपका सेवा कैसे करेंगे। जय हिंद।